NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. रू पढ़ रहे थे, किसी अखबार में छपा था या टेलीविजन में था, उन लोगों ने कहा कि सड़क के इस पार हम अति पिछड़ा लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, और सड़क के उस पार माने बाबू लोग हैं और ज्यादा लोग भी उसी पार है. उनका कहना था कि सड़क के इस पार बच्चे मर रहे हैं और सड़क के उस पार बच्चे नहीं मर रहे. ये हालत हो गई. कौन था, कौन लोग, किनका बच्चा मर रहा था, वो सब समाज में जाति व्यवस्था में जो सबसे नीचे थे. ज्यादा समाज उस तरफ था, उसके बच्चे नहीं मर रहे थे, क्योंकि जो सामाजिक न्याय का आंदोलन चला, उस सामाजिक न्याय के आंदोलन में यादव हैं, कुर्मी हैं, कोयरी हैं, वैश्य हैं, सबसे बड़े लाभार्थी यही है. आज उनकी स्थिति बेहतर हो गई, उनके बच्चे जो है उनको ये रोग नहीं हुआ, चमकी बुखार नहीं हुआ. बच्चा हुआ उनका, जो दलित समाज के लोग हैं, मुसहर समाज के लोग हैं, वहां साहनी समाज के बच्चे हैं, वो मर रहे थे. और कैसे मर रहे थे, वहां कौन है नेता, कौन है MP, वहां के MP निषाद समाज का आता है, अजय निषाद है वहां का MP, उसके पहले कैप्टन साहब MP रहे हैं, वहां राज्यसभा में भी क्या नाम है, महेंद्र साहनी, महेंद्र साहनी राज्यसभा के भी मेंबर रहे हैं. तो साहनी समाज से इतने लोग मैंने पॉलिटिकल पद पर गए, लेकिन उनके बच्चे मर रहे हैं. इसका क्या मतलब है, सामाजिक न्याय से आप आगे बढ़िए. हम दूसरी तस्वीर दिखाना चाहते हैं. एक तरफ ये तस्वीर आपने देखी, इस बीच में आपने देखा होगा अखबार में एक खबर छपी थी, आप लोगों की नजर गई होगी उस अखबार पर, के खबर पर. कौन सी खबर, आप जानते होंगे नीता अंबानी का नाम आपने सुना होगा, मुकेश अंबानी की पत्नी है. उसी बीच में अभी एक हफ्ता पहले अखबार में खबर छपी. किस चीज के बारे में खबर छपी, खबर नीता अंबानी के चेहरे के बारे में नहीं, उनके बैग के बारे में खबर चढ़ी कि उनके हाथ में एक बैग था जिसकी कीमत जो है 2,60,00,000 रुपए थी. एक बैग था जिसकी कीमत 2,60,00,000, उसमें बताया था कि ये इतनी कीमत कैसे हुई, उसमें बताया कि इतना हीरा जो है उसमें लगा हुआ था. ये कौन है अंबानी, ये अंबानी साहब कौन है, आपने देखी होगी कभी तस्वीर. ये अंबानी साहब वही है जो नरेंद्र मोदी के भी पीठ पर हाथ रख करके उनसे बात कर सकते हैं. बहुत बड़े आदमी हैं, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री, जिनके सामने अच्छे अच्छे लोग खड़े नहीं होते हैं, उनके पीठ पर जो हाथ रख के उनसे बात करता है, उसकी पत्नी जो है 2,60,00,000 का बैग लेके चलती है. हालत हो गई है इतनी गड़बड़ाबरी. एक तरफ गरीबों के बच्चे भूख से मर रहे हैं, ये गरीबी किन लोगों में है, समाज में सबसे जो कमजोर है उसके बीच में गरीबी है. उसके ये आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनको न्याय नहीं चाहिए, उनके बच्चों को अच्छा पोषण नहीं चाहिए, उनके बच्चों को अच्छा इलाज नहीं चाहिए, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं पूर्वे जी. उनकी लड़ाई आप कह देंगे कि हम गए थे वहां, मिल गए, फॉर्मेलिटी है, उसके लिए लड़ाई आप कहां कर रहे हैं. उसकी हालत बदले, उसके बच्चों की पढ़ाई हो, उसके बच्चे बीमार पड़ते हैं उनकी दवा हो, उनके शरीर में इतनी ताकत हो कि वो बीमार नहीं पड़े, चमकी बुखार उनको पकड़ नहीं रहे. इस देश में कितनी गैर बराबरी, कितनी गैर बराबरी. डॉक्टर लोहिया का आरक्षण तो आपने पकड़ लिया, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने समता की भी बात कही थी. डॉक्टर लोहिया का आरक्षण सिर्फ हम लोगों ने पढ़ा बहुत सीमित अर्थ में. डॉक्टर लोहिया को फिर से पढ़िए पूर्वे जी, फिर से पढ़िए उनको, फिर से समझिए, वहीं से रास्ता जो है दिखाई देगा. ये देश में गैर बराबरी भयानक है. इस देश में 9 लोग ऐसे हैं जिनके पास, जो निचला तबका है देश का, 70% आबादी जो है उसकी संपत्ति, उसके बराबर की संपत्ति जो है सिर्फ 9 लोगों में है. सिर्फ 9 लोगों में देश का विकास कैसा हो रहा है भाई, किस ढंग का विकास हो रहा है. देश का विकास इस ढंग से हो रहा है कि जो हर साल संपदा का निर्माण होता है, संपत्ति का निर्माण होता है हमारे देश में, उसका 73% सिर्फ 1% लोगों के हाथ में चला जाता है. यह विकास नीति है. इसलिए मुकेश अंबानी की पत्नी, मुकेश अंबानी 8,000 करोड़ के रुपए के मकान में रहते हैं. जानते हैं आप, दुनिया का दूसरा सबसे कीमती मकान, पहला कीमती मकान इंग्लैंड के रानी का, और दूसरा कीमती मकान मुकेश अंबानी का 8,000 करोड़ रुपए का. वक्त पर, वक्त के जमीन पर बनी है वो मकान. हमने राज्यसभा में हम बोल
बोलने का मौका मिला था, हमने मुकेश अंबानी पर आरोप लगाया था, गवर्नेंस इंडिया एक पत्रिका छपती है उसने मेरा इंटरव्यू छापा था कि वक्त के जमीन पर मुकेश अंबानी का जो है कोठी बला है, ये स्थिति है, इसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं भाई। इसलिए साथियों, ये रोज रोज सिकुलरिज्म और इस सब करने से काम नहीं चलेगा। कैसा सिकुलरिज्म? इस देश को कॉम्युनल बनाने में, कॉम्युनल बनाने में सबसे बड़ा हाथ क्या है आपको याद होगा? शिला पूजन, रथ यात्रा निकला था अडवाणी का। लालू यादव के जीवन में एक सुनहरा काल जो है वो भी था जब अडवाणी को लालू यादव ने गिरफ्तार किया था। देश नहीं, दुनिया भर में डंका बजा था, शोहरत मचा था लालू यादव के नाम पर। और हमको याद है लालू यादव के साथ हम बैठे हुए थे, हद करके आए थे मुसलमान लोग, वो बता रहे थे कि दुनिया के हर कोने से जो मुसलमान वहां आए वो लोग लालू यादव का जयकार कर रहे थे। भाई लालू यादव कैसा मर्द है, उसने लगाम थाम लिया। उस रात में हम लोग बैठे हुए थे एक अन्य मार्ग में, जिस रात में गिरफ्तारी हुई, हम गए थे गांधी मैदान में देखने के लिए अडवाणी का रथ यात्रा। हम डर गए थे, वैसा डरावना दृश्य हमने नहीं देखा था। क्या उन्माद था, एक एक मोटरसाइकिल पर तीन तीन लड़का, जय श्री राम जय श्री राम। उसके बाद शिला पूजन का कार्यक्रम चला। उतना बड़ा देश, समाज को सांप्रदायिक बनाने का, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का, वैसा कार्यक्रम देश के इतिहास में कभी नहीं चला। उसका काउंटर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? आज जो हम करते रहे बीबीएन, हम नहीं मानते इस बात को, हम नहीं इस बात को मानते। वोट मिला है उनको और वोट से सरकार बनी है। कहां था विकल्प आता? लालू यादव का छपा, नलिन वर्मा गए थे क्या नाम है रांची जेल में मिलने के लिए लालू यादव से, और टेलीग्राफ अखबार में लालू यादव ने उनको जो कहा कि मैदान खाली था, गोल पोस्ट खाली था, कौन था नरेंद्र मोदी का विकल्प? और खास करके पुलवामा के बाद जो एयर अटैक हुआ बालाकोट में, उसके बाद देश का नैरेटिव बदल गया, सब लोगों के सामने ही सवाल हो गया, देश देश देश। हम लोग काउंटर नहीं कर पाए, काउंटर नहीं कर पाए। पाकिस्तान से करवाया उस आदमी ने, करवाया पाकिस्तान से। किस पाकिस्तान से? जिस पाकिस्तान की आबादी 17 करोड़ 18 करोड़ है, हमारे देश की आबादी 135-140 करोड़ है। हम पैदल दौड़ जाएंगे तो यहां से वहां तक पाकिस्तान को धान देंगे। चार चार बार हम हरा चुके हैं पाकिस्तान को। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को इंदिरा गांधी ने दो हिस्से में बांट दिया था, आपको याद है। अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था इंदिरा गांधी को। उस पाकिस्तान से डरवा के हमारे देश के नागरिक डर गए। हम उसका प्रतिवाद नहीं करा पाए, हमको समझ ही में नहीं आया, लोगों ने उसको वोट दे दिया और आज मजबूती के साथ जमा हुआ है। इसलिए साथियों, इत्मीनान से बैठ के आपको योजना बनानी पड़ेगी। और तेजस्वी से भी हम कहना चाहेंगे, इस तरह से काम नहीं चलेगा। सामने आइए, इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता ने, इतने लोगों ने आपको वोट दिया है, आपको नेता माना है, आप में आज के दिन भी मुख्यमंत्री आप बनिए इसका सपना लोग देखते हैं, उनके सामने आप नहीं आइएगा। आपको लड़ना होगा, लालू यादव से सीखिए। लालू यादव 5-6 घंटा 8 घंटा बैठता है लोगों के बीच में, जो फटा पुराना कपड़ा पहने हुए है उसको भी पहचानता है बिहार के कोने कोने के आदमी में। आपको बदलना होगा, अपने आप को संघर्ष करना होगा, तब जो है काम चलेगा। और हम कहना चाहते हैं, 29-30 बरस उम्र में कुछ नहीं है। लालू यादव कई बरस की उम्र में एमपी बन गए थे, लालू यादव कई बरस की उम्र में पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए थे। हमारे जैसा आदमी 27 बरस की उम्र में हम लालू यादव का चुनाव लड़े थे, जिस समय लालू यादव पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव हुए थे, उस समय मेरी उम्र 27 बरस की थी। इसलिए उम्र का मामला नहीं है, निकलना होगा, इस तरह से काम नहीं चलेगा। आप तो कहते थे कि हम शेर के बेटा हैं, तो शेर के बेटा मांग में बैठा रहेगा जब इतने लोग सामने खिला रहे होंगे इनके। इसलिए साथियों, हम लोग सब आदमी साथ हैं, तुम्हारे सब आदमी साथ हैं। हमारे मन में शौक नहीं है लालू यादव हमारे छोटे भाई की तरह है, उसका बेटा जो है माने मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे, हम भी चाहेंगे। लेकिन आगे तो तुमको बढ़ना होगा, तुम्हारे नेतृत्व किसको एडवांटेज है भाई? 80 विधायक है बिहार के विधानसभा में, उन्होंने आपको नेता माना है। कौन है देश में अपोजिशन लीडर इस तरह का? माने राहुल गांधी को देखिए, 50 की 54 उनके एमपी हैं, आपके 80 विधायक हैं,
आपके पास ताकत है, खाली बैठिए, बैठ के हम लोग योजना बनाए, रघुवंशाई है, संघर्ष समिति का ये है, हम लोग हैं, हम लोग जिंदगी भर लड़े हैं, बैठ के हम लोग बात करें, हम मार खाइए आप, हम तो चाहेंगे कि तेजस्वी लाठी खाएं नीतीश कुमार की सरकार की, हम चाहेंगे कि तेजस्वी जो है जेल जाए नीतीश कुमार की सरकार में, और देखिए कैसे नहीं आप जो है चुनाव जीतते हैं, कैसे नहीं आपकी सरकार बनती है। इसलिए साथियों, ये वक्त उसी का है, उसी का है, और हमको लगता है कि लालू ये बेचारे तनाव में, वैसा आदमी जो कभी मैंने बंद रह नहीं सकता है स्वभाव, हम जानते हैं, हम खास देश में कितनी तकलीफ होगी, और आज के दिन भी वो कितने तनाव में होंगे। इसलिए हम सबका दायित्व है, तेजस्वी का सबसे ज्यादा दायित्व है कि उस तनाव को उनसे मुक्त करें। हम लोग बैठे एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, हम लोग दो दिन, तीन दिन, चार दिन बैठे, और लोगों को भी आमंत्रित करें, जो जानकार लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उन लोगों से बात करके ये एक योजना बने। महिलाएं यहाँ बैठी हैं, आज जो है कितना अपमान महिलाओं का हो रहा है, आप विज्ञापन देखिए, देखो कौन इंतर दिखाता है, मरद लड़की जो है फतिंगा की तरह उसके तरफ दौड़ती है, ये महिलाओं का अपमान है तो क्या है भाई, जिस ढंग का विज्ञापन दिखाया जा रहा है, इसी इश्यू पर ये लोग आगे बढ़े, हम लोग इन लोगों के पीछे खड़े रहेंगे। लेकिन आप आगे तो बढ़िए, बैठ के बात तो हो, बड़ कमी नहीं है हम लोगों को संघर्ष की, और संघर्ष के जरिए ही जो ठहराव है पूर्वे जी का, वो ठहराव जो है टूटेगा, बांध खुलेगा, आगे बात बढ़ेगी, नए लोग आएंगे, उनके ताकत के सहारे फिर जो है सत्ता हम लोग हाथ में ले सकते हैं। इसी के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हूँ, अपनी बात तरफ करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी में हम क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पढ़ते हैं भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।